नमस्कार दोस्तों इस वीडियो में मैं आपके साथ सेफ्टी एस्पेक्ट ऑफ स्टोरेज इथिलिन ऑक्साइड इसके बारे में बात करने वाला हूं ये सेफ्टी इन केमिस्ट्री इंडस्ट्रीज़ पी सब्जेक्ट कोड नंबर 103 में फाइव मार्क का क्वेश्चन कभी कभी पूछा जाता है और इसका क्वेश्चन कुछ इस टाइप का रहता है एक्सप्लेन डिटेल फॉर सेफ्टी एस्पेक्ट ऑफ स्टोरेज इथिलिन ऑक्साइड और ओलेम दोस्तों वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपको एक बात बताना चाहूँगा अगर आप पहली बार मेरी चैनल पे वीडियो देख रहे हैं तो मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बाजू में दिए बेल आइकॉन को प्रेस कर दीजिएगा ताकि जैसे ही नया मेरा वीडियो आएगा तो आपको सबसे पहले नोटिफिकेशन पहुंच जाएगा और दूसरी बात इस वीडियो का डिस्क्रिप्शन बॉक्स में काफ़ी सारे वीडियोज़ जो सेफ्टी रिलेटेड मेरा है उसकी टाइटल के साथ लिंक भी मैंने इस पर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाली हुई है तो आप उसमें से भी रेडी आपको उसमें मिल जाएगा तो आप उसमें से चाहे तो देख सकते हैं तीसरी बात अगर आपको मेरा वीडियो थोड़ा भी अच्छा लगा हो या कुछ काम में आया हो तो आप मेरे चैनल को लाइक कर दीजिएगा और दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा तो आप आगे बढ़ते हैं दोस्तों वीडियो में डाइक विथ स्लोप ग्राउंड फ्लोर इज रिक्वायर्ड टू कंटेन स्टोरेज टैंक्स यानी कि कंटामिनेशन जो है वो लेंस का ना हो इसके लिए आपको जो डाइक यानी कि वॉल्स बंद यानी कि पूरा हम लोग हॉल जो बनाते हैं फेरी फेरी में वो ग्राउंड फ्लोर पे आपको बनाना है स्टोरेज के आजू बाजू में ताकि वहाँ से जो स्पेशली जो डिज़ाइन की गई हुई है उसकी टैंक का उसके नीचे पे तो आगे कोई भी लैंड जो है कंटामिनेट नहीं होगा और आगे स्पिलेज भी या फैलेगा भी नहीं मटेरियल इसके लिए आपको डाइक जो है वो स्लोप एक ग्राउंड फ्लोर पर बनाना चाहिए एसिड प्रूफ लाइनिंग इन डाइक इज़ नेसेसरी यानी कि आपको जो लाइनिंग यानी कि आप डाइक जो बना रहे वो एसिड प्रूफ होना चाहिए टैंक वेंट इज़ टू बी कनेक्टेड विथ ए सल्फ्यूरिक एसिड टैंक और स्क्रबर विथ स्ट्रॉन्ग एच टू एसओ फोर टू प्रिवेंट डिस्चार्ज ऑफ़ फ्यूमिंग एसओ थ्री ओल्ड टैंक शुड बी प्लेस्ड स्क्वेरली ऑन साउंड फाउंडेशन

स्लोप रखते हैं तभी उसको एक टैंक नीचे पर रहता है ताकि जो भी अगर मटेरियल्स पिलेज होता है तो वो ग्राउंड में टैंक में पूरा चला जाए और इंसिडेंट एक्सीडेंट से हम लोग बच जाए तो इसके हिसाब से आपको स्लोप भी रखना है और स्लज रहता है या उसमें वहाँ पे एक वाल भी रहता है ताकि आपको वाल ऑपरेट करके उसमें से हम लोग बच सके गैस ग्लासेस शुड बी अवॉइडेड यानी कि आप जब भी गेज रखते हैं उसमें ग्लासेस जो है उसको अवॉइड करें द टैंक शुड बी सराउंडेड बाई ए बंट वॉल हैविंग एडिक्वाइट कैपेसिटी टू कंटेंट द टोटल रिलीज ऑफ द वॉल क्वान्टिटी ऑफ द मटेरियल दैट कैन बी स्टोर्ड इन साइड द टैंक ड्यू टू लीक्स स्पील्स रेप्चर और अदर इन केस द बॉन्ड इज कॉमन फॉर ए ग्रुप ऑफ टैंक्स

सूट एंड इन ए संप हैविंग ड्रेन वाल फैसिलिटी एप्रोचेबल फ्रॉम आउटसाइड यानी कि आप जब सम्प रहता है यानी कि आपने जो टैंक बना रखी है अगर कुछ पिलेज हुआ है तो वो स्लोप के हिसाब से वहाँ पे वाल फैसिलिटी है जो एप्रोचेबल यानी कि आउटसाइड से हम लोग प्रॉपरली उसको ऑपरेशन करना करने के लिए कुछ भी हर्डन नहीं होना चाहिए हम लोग इजिली वाल जो है ऑपरेट कर सके ऐसा प्लेटफॉर्म होना चाहिए और इस टाइप का हमको अप्रोचेबल आउटसाइड से हम लोग फैसिलिटी जो है वो प्रोवाइड करना चाहिए फ्लोर ऑफ द स्टोरेज एरियाज शुड बी ऑफ एसिड रजिस्टेंस मटेरियल एंड शुड एडिक्वेट स्लोप टू फैसिलिटेट इजी ड्रेनिंग ऑफ स्प्रीट मटेरियल बिफोर द एसिड इज अलाउड टू एंटर द मेन सेवर इट शुड बी कलेक्टेड इन ए कैच पिट्स सफिशियंटली डाइल्यूटेड एंड

के बिना जो है उस टाइप का एयर होना चाहिए जब आप टैंकरस को अनलोड कर रहे हैं तभी द टैंकर आउटलेट वॉल शुड बी मेड ऑफ एस एस विथ टेप्लॉन कोटिंग एंड लीक प्रूफ यानी कि टैंकर का आउटलेट वाल जो है वो ऑलवेज एस एस का होना चाहिए और टेफलॉन कोटिंग उसमें होना चाहिए साथ साथ में लीक प्रूफ भी होना चाहिए ताकि कुछ भी इंसिडेंट्स वहाँ पर ना हो लेवल इंडिकेटर एंड आइडेंटिफिकेशन ऑफ कंटेंट आर ऑल्सो नेसेसरी यानी कि जब भी टैंक के अंदर आपको लेवल इंडिकेटर जो है वो होना चाहिए और उसके अंदर कुछ भी अलग तरीके का कंटेंट जो है उसका आइडेंटिफिकेशन प्रॉपरली हो सके वो ज़रूरी है ए रूफ इज़ रिक्वायर्ड टू प्रोटेक्ट फ्रॉम रेन वाटर यानी कि आपका जो बुलेट है यानी कि आप जो वेसल्स बना रखा हुआ है उसको हमको रेन वाटर से प्रोटेक्ट करना है ताकि उसको वहाँ पर रूफ होना चाहिए थैंक यू दोस्तों